बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तैमूर मुजाहिद है और आप देख रहे ट्रेवल विद मी। तो दोस्तों, मेरी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी रोमानिया वर्क परमिट से रिलेटेड, कि हम लोग रोमानिया किस तरह जा सकते हैं, रोमानिया का वर्क परमिट हम लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी जॉब की डिमांड है, वहाँ पे सैलरी क्या है, वहाँ पे कितनी सैलरी मिल सकती है, हम कितना अर्न कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, और क्या रोमानिया शेंगेन में आ रहा है। तो आज मैं इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी नई नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, रोमानिया एक यूरोपीय यूनियन का कंट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, लेकिन शेंजन का अभी तक मेंबर नहीं बना, लेकिन उम्मीद है कि इस साल के लास्ट में शेंजन जोन का मेंबर बन जाएगा। शेंजन जोन के मेंबर बनने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा, इसकी TRC भी आप लोग बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी वीज़े के, आप लोग किसी भी शेंजन कंट्री में जा सकते हैं, जैसे इटली हो गया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, आप किसी भी कंट्री में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। सिर्फ आपके पास उनका कार्ड होगा, रेजिडेंस कार्ड, तो अब उस बेस पे आप किसी भी शेंजन कंट्री में एंटर हो सकते हैं। रोमानिया और बुल्गारिया 2023 दिसंबर के उम्मीद है कि लास्ट में आ जाएगा। तो रोमानिया ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, कोशिश की है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि वो लोग जल्दी जल्द से जल्द शेंजन जोन का मेंबर बन जाएं। जी, तो अब हम बात करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स होती है और क्या सैलरी रेशो होती है रोमानिया में। तो सबसे पहले जो वहाँ पे जो डिमांड होती है जॉब की, वो है कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड, जिसमें आ जाते हैं मैसन, कारपेंटर, टाइल फिक्सर, हेल्पर, लेबर, AC टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह की काफ़ी जॉब इन डिमांड होती हैं। और अगर आप डिलीवरी करना चाहते हैं, फूड डिलीवरी करना चाहते हैं या टैक्सी चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों रोमानिया वो वाहिद कंट्री है जो आपके होम कंट्री का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वो इजीली यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं आप। तो आपने जब भी रोमानिया आना, तो अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते आइएगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट चेंज करवा सकते हैं रोमानिया के लाइसेंस के अंदर, और वो लाइसेंस आप पूरे यूरोप में आपका वो वैलिड होगा जो रोमानिया का लाइसेंस होगा। अब हम बात करते हैं कि रोमानिया में कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या पैकेज मिलता है सैलरी का। तो दोस्तों, आपको जो मिनिमम सैलरी मिलेगी ना, पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपया मिलेगा पर मंथ, जिसमें आपको कंपनी की तरफ से आपको रिहाइश भी मिलेगी, खाने का, खाने के पैसे भी देंगे वो लोग आपको, यूनिफॉर्म भी देंगे, मेडिकल भी देंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे, और जब आप छुट्टी आएंगे तो आपको वो आने जाने की टिकट भी देंगे, यानी कि आपको फुल वो पैकेज देंगे। आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी होगी रोमानिया में, तो अच्छा पैकेज है। जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, उस तरह आपका पैकेज इंक्रीमेंट भी होता जाएगा। 8 घंटे ड्यूटी करनी है आपने, 40 घंटे हफ्ते के अंदर आपने ड्यूटी करनी है। जी, तो दोस्तों, अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो एजेंट्स हज़ारात बैठे हुए हैं, वो आपसे 4 से 5 हज़ार यूरो इसी चीज़ का आपसे चार्ज लेंगे, जो कि इलीगल है कंट्री के अंदर। तो बेहतरीन हाल यही है कि आप लोग खुद ऑनलाइन अप्लाई करें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, यूरोपास CV बनाएं, यूरोपास कवर लेटर बनाएं, ठीक है। जो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपने मेंशन ज़रूर करना है, ज़्यादा नहीं CV में लिखना, कुछ एक्स्ट्रा जितना पूछा गया उतना ही आपने लिखना है, और वेबसाइट में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो वहाँ से आप फॉलो करके वहाँ पर आप ईमेल कर दीजिएगा उनको, जो मैंने वेबसाइट बताऊँगा, वो आपसे ज़रूर रब्ता करेंगी, कॉन्टैक्ट करेंगी, आपका इंटरव्यू लेंगे वो लोग, उसके बाद वो आपको वर्क परमिट वगैरह इशू करके देंगे। तो आपने अपने होम कंट्री की एम्बेसी में अप्लाई करना है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप रोमानिया जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि हम लोग यूरोपास CV किस तरह बना सकते हैं, यूरोपास कवर लेटर हम लोग किस तरह खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा यूरोपास CV का और कवर लेटर का, आप लोग स्टेप फॉलो करके उसको खुद भी बना सकते हैं। तो जिन दोस्तों को मेरी सर्विस चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल दे दूंगा, वो लोग मुझसे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों, मैं ये स्पेशल पाकिस्तानी भाइयों को पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के तो हालात डाउन से डाउन ही होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो आप लोग गल्फ कंट्री से बेहतर है किसी अच्छी कंट्री का रिस्क लें, यूरोप कंट्री का रिस्क लें, जहाँ पर आपका फ्यूचर भी है, आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, आपकी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो आपको यूरोप कंट्री जाना चाहिए, क्योंकि गल्फ में आप लाइफ कितने टाइम गुजार सकते हैं, 5 साल गुजार सकते हैं, 10 साल गुजार देंगे, लेकिन आप वहाँ पे जीरो के जीरो हैं। लेकिन आप यूरोप आ जाते हैं ना, तो आपकी आने वाली 7 नस्लें तक, यानी कि आप अपनी उनको संवार सकते हैं। और मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं, वो ज़रूर इस मौके से फ़ायदा उठाएं, अप्लाई करें जॉब, वर्क परमिट हासिल करें और वीज़ा लेके रोमानिया आ जाएं। और तो दोस्तों, मेहनत करेंगे आपको ज़रूर इस चीज़ का फल मिलेगा। हमारे जैसे ही यूरोप आते हैं लोग, उनके कोई सर पे
सींग तो नहीं निकले होते। तो आप लोग भी यूरोप आ सकते हैं, आप लोग भी कोशिश करें, इंशाल्लाह आप लोग भी एक दिन ज़रूर यूरोप आएंगे। तो किसी भाई को कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल मौजूद है, आप कुछ भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं बिना झिझक। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कीप सपोर्टिंग मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।